हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंडियन जगर 2 में। यहाँ हम आज जनरल कंपटीशन का कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे कि देखिए, स्टार्ट ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट, किसी संख्या का x के पावर n बहुत ज्यादा होने पर पावर में 4 से भाग देकर शेषफल जो संख्या आता है उसे ही पावर के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल, 5 के पावर मान लीजिए 999, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो देखिए 999 इसमें 4 से भाग देंगे, ठीक है। कितना आया शेषफल? 3 आया। तो यहाँ 5 के पावर 3 लिख देंगे, और 5 के पावर क्यों कितना होता है 125। इकाई स्थान पर क्या आया? 5 आया, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कहता है। देखिए, अगर वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाती है तो वहां शेषफल 0 के बदले 4 का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि मान लीजिए 3 के पावर 80, ठीक है। इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 3 के पावर 80, ठीक है, 80, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 16, 80 में 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 दूना 8, कट गया, 0 आया। यहाँ पर 0 उतार के छोड़ देते हैं, कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए, अगर वह संख्या यानी कि ये पावर 4 से अगर पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि शेषफल 0 आता है, तो वहां पर क्या 0 के बदले क्या किसका प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, देखिए 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 में जब 3 से गुना करेंगे तो 27 21 के 1 हासिल, 2 3 दूना 6 2 8, 81 आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 81। तो इकाई स्थान, क्वेश्चन क्या पूछता है, 3 के पावर 80, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो ये इकाई और ये दहाई, तो इकाई स्थान पर कौन सा आया, 1 आया, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5, 6 हो, क्या बोल रहा है, नो चेंज, मतलब समझ रहे हैं। आइए देखिए, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है 11 के पावर कितना, मान लीजिए 742 से, मान लीजिए 742, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, 742, ठीक है, इसमें 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 एकाएं 4 3 4 4 8 32,
दो कट गया, फिर दो स्टार्ट, दो कट गया, शेष फल कितना आया? दो आया। तो मान ली 11 के पावर 2 लिखे, लिखे ना 11 को कितना बार गुना करेंगे, 11 गुना 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। हाँ, तो इकाई स्थान पर कितना आया, एक आया, आया ना। यानी कि ये कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लागू हो रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन के आधार पर हम कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट सही है। जैसे कि अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल देखिए। जैसे कि मान लीजिए हम 25 ठीक है, 25 मान लेते हैं, 25 के पावर मान लीजिए 842 मान लीजिए, ठीक है, 25 के पावर कितना 842, इसके इकाई स्थान पर, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो देखिए 842 में किस कितना से भाग देंगे, 842 में 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है इसका, ठीक है। तो 842 में 4 से भाग देंगे, 4 दो ना 8, कट गया 4, ये कट गया 2 उतार के 2, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 25 का पावर 2, ठीक है, 25 का पावर 2, 25 का पावर 2 कितना होगा, ये तो आपको आ नहीं रहा होगा स्क्वायर करने, ठीक है। तो ये 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, यानी कि 2 अंक वाला का स्क्वायर कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा समझ लीजिए और इससे फुल्ली डिटेल्स अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर देख लीजिए, इसको इसको गुना करेंगे, अति करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 5 गुना 5 यानी 25, ठीक है। देखिए 25 का 5 हासिल 2, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, 5 दुना 10, 10 दुना 20 और 2 22, ठीक है, 22 का 2 हासिल 2, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, ठीक है। तो इकाई, यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो इकाई स्थान पर कितना अंक है, 5 है, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5, यानी कि एग्जांपल से हम यह कह सकते हैं कि ये दिया गया कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, इसी पे वीडियो देखिए, ये कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रहा है, माना लीजिए 36 का स्क्वायर, 36 का पावर कितना है, 342, 36 का पावर 342, इसके इकाई स्थान पर, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, सा अंक होगा, ठीक है। तो देखिए सोल्व, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 342 में कितना से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 8 32 कितना आया, 2 आया, कितना उतरा, 2, 4 5 20 कट गया, शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है, ठीक है, शेषफल कितना रहा है, 2 आ रहा है। तो 36 का मान लीजिए 36 के पावर में 2, यानी कि 36 का स्क्वायर, अब देखिए 36 का स्क्वायर, यानी कि 36 गुना 36 कह सकते हैं, ऐसे भी 36 गुना 36 कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हमको इकाई स्थान पे चाहिए, ठीक है, हमको इकाई स्थान पे चाहिए, ऐसे तो चलिए ना 36 का स्क्वायर ही कर लेते हैं, क्या ज्यादा ये है, ठीक है। तो 36 गुना 36 एज लाइक होगा, बट यहाँ पे हम 36 का डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए कैसे होगा, 6 का स्क्वायर तो याद ही होगा, ठीक है, 6 का 6 36 का 6 हासिल 3, ठीक है, 36 18, 6 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 18 18 3 21, 21 का 1 हासिल कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11,
यानी कि ये हो गया 36 का स्क्वायर, ठीक है। कितना शॉर्ट में हम स्क्वायर निकाल लिए, ठीक है। ऐसे तो 36 को 36 से गुणा करते तो पता चलता है कितना देर लग गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये भी कॉन्सेप्ट मान लीजिए, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर 6 हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि ये भी एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि 112 इसके पावर में हम दे देते हैं कितना, मान लीजिए इसके पावर में हम दे देते हैं 982 मान लीजिए, इसके पावर में 982, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक अंक होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको बनाएंगे सोल्व, ठीक है। क्या 982 में 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो 112 के पावर में लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, 982 इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दो ना 8, 1 फिर 8 उतारेंगे, 4 से फिर इसमें भाग देंगे, 4 चौका 16, ठीक है। 2 कट गया, 8 2 4 पचा 20, ठीक है। कितना आया शेषफल, दो आप लोग कह रहे हैं कि बार बार शेषफल दो ही आ रहा है, हम 3 भी ले सकते हैं अगर यहाँ पे 3 कर दे, ठीक है। 983 अगर कर दे तो यहाँ पे शेषफल, ठीक है। तो हम 112 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यानी कि 2 आया तो स्क्वायर ही ना होगा, 3 आता तो क्यू होता, ठीक है। तो मान लीजिए 112 गुना 112, ठीक है। हमको क्या चाहिए, इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, हाँ हमको क्या जरूरी है 112 को 112 से गुना करना, कोई जरूरी है नहीं है, हम सीधा 2 को 2 से गुना करके इकाई स्थान पे ला देंगे, क्या यानी कि 2 2 ना 4, इसके इकाई स्थान पर कितना आ गया, 4 आ गया।